हमारे मास्टर शेफ क्या बना रहे हैं? क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं मसाला चाप। मसाला चाप, अब देखिए इसमें हल्दी, अच्छा थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, और अब इसके अंदर जाएगा ये चाप का मसाला। ये मास्टर शेफ लगे हुए हैं भाई कुकिंग पे। चाप मसाला है तो इसमें थोड़ा जाएगा चाप मसाला, पूरा ही जाएगा ये पूरा पैकेट, छोटा पैकेट है ना तो पूरा पैकेट जाता है चाप मसाले का। अब इसमें जाएगा थोड़ा धनिया चलेगा। अब इसमें जाएंगे ये मैगी मसाले के पैकेट, देखिए अच्छा आप इसके बाद कितना आनंद देगी, इसकी कोई लिमिट ना हो। मैगी मसाला डालने से चाप का स्वाद बढ़ जाता है। देखिए सब चीज़ डल चुकी है और इसको हम करेंगे सोटे। अब इसको मसाला भुना जाएगा, कलर निकल के आएगा मसाले का भुनने के बाद। अब जब तक इसका तेल नहीं निकलता तब रेडी हो जाए ना तब बता देना, मैं बाहर बैठ के ऑरेंज खा लियो। चाप मसाला वो चाप दिखा रहे कहाँ है? ये बॉईल कर ली, ठीक ये बॉईल कर ली, कट कर ली। ये दही जमाई थी मैंने डब्बे में, जम गई क्या? ये दही देखना हो गई क्या एक बार? ले ले सब हो गई। एक बार देख तो लो, मैंने जमाई थी कच्ची है क्या जमी नहीं? कब जमाई थी है? कल हो गई। ओ, परफेक्ट जम गई तो। परफेक्ट जमी है, फ्रिज में रखवा दूं। फ्रिज में रखवा नहीं, रहने दो, जो कच्ची रहेगी तो जम जाएगी। इतना ब्लेंडर जो पानी है इसमें मसाला पीसा था इसके अंदर, हां ब्लेंडर के अंदर चॉप करो, चॉप किया था इसमें, चॉप करके बना रहे हो इसको? हां अच्छा नहीं ठीक है, वो खाते नहीं ना फिर। चलो जब रेडी हो जाए तब बताना। चाप कम है।